आज हम जनरली बात करने वाले हैं लिम्फ के बारे में, लसिका के बारे में। लसिका क्या होता है? ठीक है, लसिका जो होता है हल्का गाढ़ा पीला रंग का होता है। ठीक है, ये क्या होता है? पीला कलर का होता है, पीला रंग का पाया जाता है। ठीक है, लसिका जो होता है क्या होता है? हल्का पीला रंग में पाया जाता है। और ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जल का अवशोषण करता है। क्या करता है? जल का अवशोषण, जल का अवशोषण। ये क्या करता है? हमारे बॉडी में जल का अवशोषण करता है। और एक बीमारी है जो बच्चों में ज्यादातर पाया जाता है, जिसका नाम है पोलियो। पोलियो एक बीमारी है जो ज्यादातर बच्चों में पाया जाता है। इससे ग्रसित व्यक्ति को क्या होता है? इससे ग्रसित बच्चे जो होते हैं उनका पैर जो होता है पतला हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। तो पोलियो जो रोग होता है उसमें क्या होता है? लसिका जो होता है वो संक्रमित हो जाता है। ठीक है, पोलियो बीमारी में क्या संक्रमित होता है? पोलियो में क्या होता है कि लसिका जो होता है, लसिका जो होता है संक्रमित होता है, संक्रमित हो जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पोलियो एक बीमारी है जो किसको प्रभावित करता है, तो आप बताएंगे ब्लड के लसिका एक भाग है जिसको क्या करता है, ये प्रभावित करता है। चलिए आगे हम लोग अध्ययन करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे आपको ब्लड क्लोटिंग के बारे में। किसके बारे में? ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त अस्कंदन कहते हैं इसको, रक्त अस्कंदन, रक्त अस्कंदन इसको कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लड क्लोटिंग। ठीक, ब्लड क्लोटिंग कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे कि ब्लड क्लोटिंग जो होता है उसमें क्या होता है। देखिए, रुधिर अस्कंदन में क्या होता है कि जब किसी कटे हुए भाग से रक्त निकलना शुरू हो जाता है, कहीं भी कोई भी बॉडी पार्ट्स आपका कट गया है या फिर वुंड निकल गया है, घाव निकल गया है, तो वहां से क्या होता है? ब्लीडिंग होने लगता है। किसी भी कटे हुए भाग से क्या होता है? जब ब्लीडिंग होने लगता है, ब्लड निकलने लगता है आपके शरीर से, तो वहां पे क्या होता है? जेली जैसा एक आवरण बन जाता है, गाढ़ा जेली जैसा आवरण बन जाता है। ठीक है, और वो क्या करता है? कुछ ही मिनटों में क्या होता है, ये मतलब वो जम जाता है। जमने के पश्चात क्या होता है? वहां से आपको ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, यानी रक्त अस्कंदन कहते हैं या रुधिर अस्कंदन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जनरली जब हम बात करेंगे ब्लड अस्कंदन का, तो ब्लड क्लोटिंग जो कराता है विटामिन के इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्लड क्लोटिंग में कौन सहायक होता है, तो विटामिन जो होता है, विटामिन के जो होता है, इसको क्या करता है? ब्लड क्लोटिंग का ये ज्यादातर ये करता है। ठीक है, मतलब प्रभावित करता है कि ब्लड क्लोटिंग को रोकने के लिए आपके शरीर में कौन से विटामिन जो काम आता है, वो होता है विटामिन के होता है ब्लड क्लोटिंग में। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे कि कौन कौन सी क्रियाएं होती है ब्लड क्लोटिंग में और क्या कैसे कैसे वो परिवर्तित होता है। तो पहला जो होता है आपका क्या होता है? पहला जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है, पहला जो होता है क्या होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है, पहला जो होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है। ठीक है,